फाइल करने की इस बार अंतिम तारीख थी 31 जुलाई। इस दौरान करीब 7.28 करोड़ ITR भरे गए। इसमें भी लगभग 5 करोड़ ITR 26 जुलाई तक फाइल किए गए और बाकी के ITR 2.28 करोड़ 27 से 31 जुलाई के बीच दाखिल हुए। ऐसे में नियमों के मुताबिक 26 से 31 जुलाई के बीच दाखिल हुए ITR की डेडलाइन भी 26 से 30 अगस्त के बीच पड़ रही है। ऐसे में अगर हम रूल की बात करें तो अगर आपने 26 से 31 जुलाई के बीच ITR भरा है तो अगले 10 दिनों में वेरिफिकेशन कर ले, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो ऐसे में आइए जान लेते हैं क्या है नियम वेरिफिकेशन को लेकर। इनकम टैक्स के मुताबिक आपको ITR फाइल करने के बाद ई वेरिफिकेशन या ITR 5 ऑफलाइन जमा करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। वहीं IT डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक 20 अगस्त तक कुल 7,31,33,509 ITR फाइल किए जा चुके हैं और अभी तक 7,09,89,014 ITR वेरीफाई किए जा चुके हैं। इस हिसाब से अभी भी 32 लाख लोगों ने ITR का वेरिफिकेशन नहीं किया है। वहीं अगर बात करें तो 31 जुलाई तक ITR भर चुके लोगों से भी करीब 19 लाख लोगों ने अभी तक ITR वेरीफाई नहीं किया है। रिफंड चाहिए तो ITR भरने के 30 दिनों के अंदर कर दे आप वेरिफिकेशन। ऐसे में आपको ध्यान देना होगा कि ITR भरने और ई वेरिफिकेशन के बीच 30 दिनों से ज्यादा का अंतर ना हो। आपका रिफंड भी तभी आएगा जब आप ITR वेरीफाई कर देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 31 जुलाई को ITR फाइल किया था तो उसको वेरीफाई करने की आखिरी तारीख भी 30 अगस्त होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर आपने ये डेडलाइन मिस कर दी है तो इसे भी लेट फाइलिंग माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब जान लेते हैं रिफंड तो जाएगा ही, 5,000 रुपए तक भरना पड़ सकता है आपको जुर्माना। नियमों के अनुसार अगर आपने 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन नहीं किया है तो रिफंड किसी भी सूरत से नहीं आएगा। ऐसे में एक छोटी सी गलती के चलते आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, साथ ही आपका ITR भी रद्द हो जाएगा। आपको दोबारा से ITR फाइल करना पड़ेगा और इस पर लेट फाइलिंग का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। ये गलती आपके जेब पर करीब 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का भारी पड़ सकता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और रिपोर्ट खबरों के लिए आप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।